नमस्कार, सत श्री अकाल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मिस्टर ऐश ने काफ़ी अच्छी अपडेट्स दी हैं, वही आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें उसमें बहुत ध्यान से सुनने वाली हैं, और कुछ जो हम लोग सुनना चाहते थे वही उन्होंने चीज़ें बताई हैं उसमें से कुछ भी। ओके, सो इसलिए क्विक रखेंगे इसको, और बिल्कुल जो एक्चुअल चीज़ बताने वाली उसी को बताएंगे, ताकि आपको थोड़ी इसके बारे में नॉलेज हो सके कि आने वाले दिनों में, आने वाले एक हफ्ते में क्या होने वाला है, आने वाले 10 दिन में क्या होने वाला है। सो सबसे पहले बात करते हैं जो कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन है, जहाँ हमारे कार्ड पेमेंट्स हैं, वो हमें समय सबको मालूम है कि रुकी हुई थी, बट गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो कार्ड पेमेंट्स हैं लगभग 24 घंटे में, जैसे अगर हम इंडिया की बात कर लें तो लगभग इंडिया के जो कल की शाम है, आई थिंक ये हम तक हमारी जो पेमेंट जो कार्ड पेमेंट है वो चालू हो जाएंगी। ओके, तो वो आप थोड़ा वहाँ पे ध्यान बना के रख सकते हैं, जब भी स्टार्ट हो से होगी तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, तो वो आप अपना चेक कर सकते हो बैक ऑफिस में जब भी आपको अवेलेबल होंगी। ओके, तो वो डन कर दिया गया है, सारा पेमेंट प्रोसेसर्स का जो काम था, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, मिस्टर ऐश ने बोला। बहुत सारे कार्ड्स को उन्होंने टेस्ट करके भी देख लिया है और वो फ्लॉलेस चल रहा है बहुत ये जो सिस्टम हमारा कार्ड पेमेंट्स का। ओके, सो एज सुन एज ये चीज़ें आती हैं तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। रफली 24 घंटे का टाइम दिया उन्होंने, तो लगभग आपके रात के टाइम कल तक ये शुरू हो जाए दी। ओके, तो इसको आपने दिमाग में रखना है। और उसके बाद जो कि लगभग ये सारा हफ्ता मान के चलिए, और उसके बाद जो पे आउट्स की भी बात है वो भी मिस्टर ऐश ने की है कि लगभग जो बल्क में पे आउट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट हफ्ते के अंदर अंदर वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे सारे के सारे, क्रिप्टो में भी और बैंक में भी जो है, जो कि बैकलॉग है पिछला सितंबर से लेके अभी तक का, ये 2 महीने का मान के चलिए, तो उसमें से जो भी जिन्होंने विड्रॉल किए थे वो सारे के सारे जो हुआ वो एक हफ्ते में लगभग प्रोसेस करने वाले हैं सारे के सारे। ओके, तो ये बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जिन जिन लोगों ने विड्रॉल्स डाले हैं, चाहे वो क्रिप्टो में और या चाहे वो बैंक्स में लिए हैं। और उसके बाद एक और गुड न्यूज़ ये है कि ये जो हमारे अभी नेक्स्ट जो पे आउट्स होंगे, फॉर एग्जांपल इस नवंबर में जब लोग सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कमीशन जनरेट हो रहे हैं, तो वीकली पेमेंट्स होने वाली हैं। ओके, अब ये नहीं कि वेट करना पड़ेगा आपको, तो वीकली पेमेंट्स हैं और उसके ऊपर कोई कैप नहीं है। ओके, तो हफ्ते में जो भी कुछ आपका कमीशन जनरेट हुआ होगा तो आप उसको विड्रॉल लगा सकते हो, और वो बहुत जल्द आपको मिल जाया करेंगे वो जो पेमेंट। अभी वेट नहीं करना पड़ेगा 10-10, 15-15 दिन, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड उसकी जो लिमिट है लगभग वीकली की, वो $25,000 की है। ओके, तो जिन जिन का $25,000 तक बनेगा तो वो ले सकते हैं। सो $1 टू लेके 25,000, यानी 25,000 का भी कैप है, बट ये कैप भी आने वाले महीनों में ये खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि वीकली पेमेंट्स और कोई कैप नहीं है, और ये स्टार्ट उसके बाद हो जाएंगी। इसके बाद एक ये वाला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, क्योंकि ये ट्रैफिक से रिलेटेड है। ओके, सो इसलिए बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए। सो होना क्या है, तो मिस्टर ऐश को ही मालूम है कि पिछले 1 महीने से लगभग हमारी पेमेंट्स जो नहीं हो रही थी, हम बाय नहीं कर पा रहे थे हमारे पैकेजेस को, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो उसके बाद एक पर्टिकुलर इसी महीने, मतलब इसी महीने नवंबर, वो टाइम देने वाले हैं, या हफ्ता 10 दिन देने वाले हैं कि सब लोग आप लोग कर लीजिए। ओके, कर लीजिए अपने जो भी अपने पैकेज बाय करना है, आपकी इच्छा है, इसमें जबरदस्ती कोई नहीं है। और क्योंकि उसके बाद वो ट्रैफिक अलाउट करने वाले हैं, ओके, इसको ध्यान से सुनिए, तो वो एक टाइम फ्रेम देने वाले हैं। क्या टाइम फ्रेम है ये नहीं मालूम, बट इसी महीने में ये हो जाएगा। वो चाहते हैं कि पहले लोग अपनी सब्सक्रिप्शन दे लें, ताकि ये ना हो कि वो पीछे रह गए क्योंकि सिस्टम बंद था। सो इसलिए ये आप लोगों के ऊपर है कि आपने वो कब करना है, उसको आप ध्यान में रखिए। जिसका आप करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको सब्सक्रिप्शन आप करवा सकते हैं। ओके, जो नहीं चाहते वो उनकी मर्जी है, बट ऐसा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं इस ब्रैकेट में आ जाएं जिनको हमने ट्रैफिक बांटनी है। ओके, अब ट्रैफिक कितनी है, वो लगभग आज की डेट में ये जो होल्डिंग पूल वाली है वो लगभग 1 मिलियन से ज्यादा की है, 10 लाख से ज्यादा की है। और जितने हमारे फाउंडर्स ने अभी तक जो सब्सक्रिप्शन पैकेजेस लिए हैं वो 1 मिलियन से कम है। ओके, इसको इस बात को थोड़ा गौर से सुनिए कि ट्रैफिक हमारे पास ज्यादा है, बट आज की डेट में हमारे जो फाउंडर्स ने या पैकेजेस बाय किए हैं वो अभी कम है, एक वो पूरे के पूरे 1 मिलियन अभी नहीं हुए।
तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी जो हमारे फाउंडर्स को। ओके, सो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए आप जो चाहते हैं कि आप पैकेज बाय करें, आप डेफिनेटली उसको जल्दी से जल्दी बाय करना ताकि आपको ट्रैफिक मिल सके। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है और वो इसी महीने, इसी नवंबर में होने वाला है, मे बी आने वाले 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, एक और जो पॉइंट है बहुत ही ये क्वेश्चन आज मेरे क्वेश्चन सेशन में आया था और फिर मैंने आज मिस्टर एश को भी पूछा 360 में, कि ये आया था कि क्या हमने वो वेरीफाई कर दिया, ओके खुद है अभी हमारे कमीशन है, क्या हम वो कमीशन जो है किसी और के बैंक में हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने वहाँ पे यही जवाब दिया था कि अभी मैं इसके बारे में 100% कंफर्म नहीं हूँ, जैसे ही मिस्टर ऐश आते हैं या मेरी बात होती है तो मैं कंफर्म कर लूंगा। तो आज मैंने फिर कंफर्म कर लिया इस बात को, तो मिस्टर ऐश ने बोला कि नहीं, आपका अकाउंट है, आप ही विड्रॉल कर पाओगे। ओके, आप ये नहीं कि किसी और का उसमें अकाउंट डाल के और उधर विड्रॉल ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। सो प्लीज इस बात को आप ध्यान में रखना कि आपका अकाउंट है, आपने ही वो वेरीफाई किया है और आप अपने ही बैंक में उसको विड्रॉल कर रहे हो, तो आप किसी के बैंक में नहीं विड्रॉल कर सकते। उसका रीजन बीइंग उन्होंने थोड़ा दिया है कि अगर हम किसी के उसमें लेते हैं तो वो एक हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग का एक कुछ आ जाता है बीच में, वो हमें भी मालूम है कि हम क्यों किसी को दे रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीजें क्लॉजेज आ जाती हैं, तो हम तो मिस्टर एश वो नहीं चाहते। ओके, सो इसलिए हम हमारा अपना ही अकाउंट है, हमारा ही ओईएस है और हमारा ही बैंक अकाउंट है और हम अपने ही बैंक अकाउंट में हम ले सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में हम पे आउट नहीं ले सकते। ओके, तो ये आप ये बात प्लीज आप अपने को ध्यान में रखना। और दूसरी बात ही इसके साथ में मैं कर देता हूँ कि ये भी थोड़ा सा टच किया है मिस्टर ऐश ने कि अपना अकाउंट आप किसी को दे भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। ओके, वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। ओके, सो ये देखो, क्योंकि उसको उसको लॉक्ड है, आपके नाम जो है वो फाउंडर में भी लॉक किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज की ऑप्शन है बट वहाँ पे फिर वो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी अगर हम चेंज करते हैं या कर लिया है, बट वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कहीं ना कहीं पे, मे बी कंपनी आपको पूछ सकती है दोबारा से कि ऐसा क्यों है या वट एवर कुछ भी ऐसा है। ओके, सो बी रियल, मेरे कहने का मतलब है हम उतना ही करें जितना हमें जो हमने कर दिया उतना ही करें, हम किसी की तरफ ना देखें, हमारी आईडी है हम अपना ही उसमें रखें। ओके, कोई किसने नहीं कर रहा, वो गौर नहीं कर रहा अपनी आईडी के ऊपर, वो छोड़ दीजिए, वो उनका मैटर होगा। राइट, आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट बना कर रखिए। तो ये सारी बहुत अच्छी थी, एक दो बातें और भी बहुत बड़ी की उन लोगों मिस्टर ऐश ने, वो बाद में डिस्कस करेंगे, मुझे लग रहा है कि स्पेकुलेशन हो जाएगी अगर मैं वो बात करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ी अपडेट है। ओके, बहुत बहुत बड़ी अपडेट है, शायद आप सुन के बहुत खुश हो जाओगे। तो वो मिस्टर मैं ऐश के ऊपर छोड़ूंगा, उन्होंने बात की है, उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं, बट वो भी आपको इसी महीने में होपफुली 10-15 दिन में ही आपको वो बहुत बड़ी जो अपडेट है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, वो आपको मिलने वाली है। ओके, बट मैं नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो स्पेकुलेशन मानी जाएगी। तो मिस्टर ऐश आएंगे जब बताएंगे तो तब तभी हम उसको कर पाएंगे। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपने सुन ली है, दोबारा से सुन लेना वीडियो अगर नहीं समझ आएगी। तो ये कुछ मेन मुद्दे हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं जो मिस्टर ऐश ने बताया, एंड वी आर गोइंग टू रॉक बहुत जल्दी, ये बहुत कुछ होने वाला है, कल से स्टार्ट होने वाला है एंड उसके बाद ट्रैफिक आने वाली है। मैंने आपको बता दिया कि ट्रैफिक शुरू होने वाली, उससे पहले पहले आप बाय कर सकते हो, जो लोग रह गए तो वो नेक्स्ट साइकिल में आएंगे। मे बी नेक्स्ट साइकिल कब चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी में चल रहा है, वी डोंट नो। ओके, तो इसलिए मैक्सिमम फायदा उठाइए, अपने सब्सक्रिप्शन दीजिए, बाय करिए और उसके बाद ट्रैफिक का मजा लीजिए, एंड वी आर ऑल गुड टू गो। ओके, वी आर रेडी एंड वी आर बॉर्न बिग, मिस्टर रैश ने बोला है, एंड वी आर हेयर टू विन। ओके, हम लोग यहाँ जीतने के लिए और वी आर डूइंग इट। और मिस्टर एश ने ये भी बोला कि बहुत सारी कंपनियां हमारी लाइन लगी हुई हैं कि हमने काम करने के लिए हमारे साथ। ओके, तो वो चूज कर रहे हैं किसके साथ हमने काम करना है, किसके साथ नहीं करना। तो ऐसा एक वायरल मार्केटिंग भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात हो रही है, आई थिंक हमें खुश रहना चाहिए एंड नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करिए। मिस्टर एश कुछ और भी देंगे नेक्स्ट वीक आके, तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। अंटिल देन गुड बाय, ये सारी अपडेट्स को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए एंड थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय।